Hey guys, welcome back to my channel Creek Life. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में कैसे सिलेक्ट हो सकते हो. तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो दोस्तों, अगर आपको भी क्रिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट होना पड़ेगा. उसके बाद आप स्टेट, रणजी, आईपीएल और इंडिया के लिए खेल सकते हो. तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एकेडमी चूज करनी पड़ेगी, जहाँ के कोच अच्छे हों, जो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर सके कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब ट्रायल्स आ रहे हैं. और दोस्तों, वहाँ पे आपको जम के मेहनत करनी है और आपको अपनी एकेडमी में सबसे बेस्ट बन के रहना है, ताकि आप अपने कोच की नज़रों में बने रहे और जो आपको पुश कर सके अपनी गेम इम्प्रूव करने. सो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं. सबसे पहले कई जगह पर ओपन ट्रायल होता है और कई जगह पर लीग मैचेस खेला जाते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओपन ट्रायल्स में क्या होता है. तो दोस्तों, ओपन ट्रायल्स में 1000 से 2000 बच्चे आते हैं अपना ट्रायल देने. वहाँ पे आपको सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं, आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर हो, और टर्न बाय टर्न आपका ट्रायल लिया जाता है. उसके बाद आपकी उनमें से जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उनका कैंप लगता है. उन बच्चों में से छांट के 15 या 16 मेंबर का डिस्ट्रिक्ट का स्क्वाड रेडी होता है. अगर हम बात करें कि लीग मैचेस में क्या होता है, तो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अलग अलग क्लब्स होती हैं वो सबसे पहले अपनी टीम बना लेती है. उन सब के बीच में टूर्नामेंट खिलाया जाता है. और दोस्तों, उस टूर्नामेंट में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है, जो भी हाईएस्ट रन स्कोरर हो या फिर जो भी अच्छा विकेट कीपर हो, उन सबको सिलेक्ट किया जाता है और उन सब में से 15 या 16 मेंबर का डिस्ट्रिक्ट का स्क्वाड रेडी कर. तो दोस्तों, अगर हम डिस्ट्रिक्ट ट्रायल की फीस की बात करें तो दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. कोई भी जगह आपको कोई भी तरह की फीस पे नहीं करनी होती. सो दोस्तों, एक साल में कितने ट्रायल्स होते हैं वो डिस्कस करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना. और दोस्तों, ट्रायल की बात करें तो दोस्तों कई जगह पूरे साल में एक ट्रायल आता है, कई जगह 2 से 3 ट्रायल आते हैं. और जनरली दोस्तों, मानसून के बाद ट्रायल्स बहुत जगह होते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि आप मॉनसून में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा उस वीडियो को. और दोस्तों, कई जगह मई और अप्रैल मंथ में भी ट्रायल्स आते हैं. सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आज के लिए इतना ही. जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. टिल देन, स्टे ट्यून्ड.